मेरी कजन ने मेरा तारुफ एक लड़के से करवाया और मैं उस लड़के से फोन पर बात करने लगी। एक महीना गुजर चुका था और हम गहरे दोस्त बन चुके थे। मैंने उसे एक दिन बोला कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो तुम क्या करोगे? तो उसने बोला कि जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तो मैं खामोश रहूंगा। तो मैंने उसे बताया कि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है और उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। हम सारा दिन सारी रात फोन पर बातें करते रहते थे। दिन रात बातें कर करके हमारा फिर भी दिल नहीं भरता था। एक साल की मोहब्बत के बाद हम में लड़ाइयां शुरू हो गईं। उसे मेरा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बहुत बुरा लगता था तो मैंने सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया। वो हर वक्त मुझ पर पाबंदियां लगाने लगा, ये ना करो, फोन ना करो, ये क्यों करती हो? मैं उसकी बातों से बहुत तंग आ चुकी थी तो मैंने उससे बात करना बंद कर दी। उसने मेरे तरले लिए, मुझे बहुत वास्ते दिए, पर मैं उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और यहाँ तक कि उसने अपना हाथ काटा और अस्पताल पहुंच गया। मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और फिर वो खामोश हो गया। आज एक साल गुजरने के बाद मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास होता है। उसे याद करके मैं बहुत रोती हूँ कि काश वो एक बार मुझसे प्यार से बात कर ले, पर वो अब बिल्कुल खामोश है और उसकी ये खामोशी मुझे बहुत ज़्यादा अजियत में रखती है। आज जो मेरे साथ हो रहा है शायद यही मकाफ़ात अमल है। मैं मानती हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, पर आज मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक ज़हनी मरीज़ा बनकर रह गई हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि किसी की मोहब्बत में तड़पना कितना और किस कदर असीयत देता है।